दोस्तों इस वाले वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के चार धाम का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसकी पूरी प्रोसीजर बताने वाला हूँ। आप ऑनलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, आप वहाँ जाके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो आपका समय बच जाएगा, वहाँ पे आपको लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चार धाम का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आप WhatsApp के थ्रू भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ये आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ जाके भी कर सकते हैं। तो चलो इसकी ऑनलाइन प्रोसीजर पहले देखते हैं। अगर आप गूगल पे जाएंगे और चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको उत्तराखंड का पोर्टल दिखाई देगा। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। जिन लोगों का अकाउंट यहाँ पे नहीं है वो साइनअप कर सकते हैं। साइनअप करने के लिए आपको वहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद आपको वहाँ पे OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपका लॉगिन सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, फिर से आप लॉगिन कर सकते हैं। और आपको लॉगिन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन फॉर टूर, यात्रा पंजीकरण करें। यात्रा पंजीकरण पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहले आपको आपका टूर प्लान करना है, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का समय मिलता है। आपकी यहाँ पे आने की डेट और यहाँ से जाने की डेट पहले सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों उत्तराखंड स्टेट में आप कब आ रहे हो और आप यहाँ से कब जा रहे हो ये दोनों डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे कैसे आने वाले हो, यहाँ पे कैसे घूमने वाले हो, बाय रोड बाय हेलीकॉप्टर, वो डालना है। बाय रोड ही आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे कितने लोग आ रहे हो और यहाँ पे कहाँ कहाँ जाने वाले हो और वहाँ का डेट आपको क्या है वो भी लिखना है। आप यमुनोत्री जा रहे हो तो यहाँ वहाँ का डेट लिखिए, आप गंगोत्री जा रहे हो तो वहाँ का डेट भी लिखिए। अगर आप केदारनाथ भी जा रहे हो, बद्रीनाथ भी जा रहे हो, हेमकुंड जा रहे हो, उसके डेट भी आप डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो मुझे एक इंपॉर्टेंट मैसेज आया था कि इस डेट को यमुनोत्री धाम पे बहुत सारे पिलग्रिम्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। अगर आप चाहते हो तो दूसरा डेट सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप इसी डेट के साथ कंटिन्यू भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने केदारनाथ धाम के लिए दूसरा डेट डाला था, लेकिन यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया था कि केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम में एटलीस्ट 2 दिन का गैप होना चाहिए, तो ये डेट आपको बाद में चेंज करना होगा। और दोस्तों एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और आप यहाँ पे सारे धाम के रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो एक साथ में। अभी बेसिक टूर प्लान आपका हो जाने के बाद आपको डालना है पिलग्रिम की डिटेल्स। 6 पिलग्रिम की यहाँ पे आपको डिटेल डालने हैं। आप 1, 2, 3 जितने आपके सेलेक्ट किए हैं उसके डिटेल्स आपको डालने हैं। सबसे डालना है आपको पहले पूरा नाम, उसके बाद उसका एज, मोबाइल नंबर, वो व्हाट्सएप नंबर है या नहीं वो बताना है, आधार कार्ड नंबर और एड्रेस, फुल एड्रेस डालना है। उसके बाद आप कौन से सिटी से आए हो, उसका डिस्ट्रिक्ट नाम और कौन से स्टेट से आए हो वो भी आपको डालना है। उसके बाद आप कंटिन्यू करना है इसी फॉर्म को। पिलग्रिम की डिटेल में आपको डालना है कि आप प्रोफेशन डॉक्टर हो या नहीं, ये जस्ट इमरजेंसी के लिए होता है। आपको इमरजेंसी में किसका कॉन्टैक्ट नंबर देना है, आपको आपका प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए वो, आपको एक आइडेंटिटी कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना है और आपको एक सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसा एक फॉर्म जनरेट होगा। ये एक सिर्फ इंडिविजुअल पिलग्रिम का हुआ है, अगर आपके 6 पिलग्रिम्स है तो आप उसमें एड ऑन कर सकते हैं जितने आपके पिलग्रिम्स है और आपका ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट हो। तो दोस्तों चार धाम के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शायद आपको पता ही चला होगा कि मेरे चैनल पे अभी चार धाम के वीडियोज़ भी आने वाले हैं।